कितनी बार बता चुका हूँ, परचेजेस और सेल्स दो इवेंट है। तो बेटे यहाँ परचेजेस हो रही है तो मैं लिखूंगा परचेजेस गुड्स की जगह परचेजेस लिखूंगा। तो बेटे कोई भी चीज फ्री तो आती नहीं बेटे, दो कीवर्ड है इंपॉर्टेंट इस ट्रांजेक्शन में, एक गुड्स और एक चेक। बेटे चेक देखा कभी आपने? चेक अगर हमें कोई देता है तो क्या हम दीवार में टांग देते हैं, उसको फ्रेम बनाते हैं, या उसको हम पेइंग स्लिप में भर के अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं? कभी आपने चेक को जमा कराया? बेटे बेटे चेक को हमने दीवार में पोस्टर बना के लगाना नहीं होता, हम चेक को पेइंग स्लिप में भरेंगे और बैंक में जाके जमा कराएंगे तो हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो बेटे अगर हमने इशू किया तो हमने चेक दिया, इसका मतलब हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। अगर हमने डिपॉजिट किया, हमें चेक मिला, तो बेटे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर हम सामान खरीद रहे हैं, और जब हम खरीद रहे हैं तो हम पैसे दे रहे हैं, हम चेक दे रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। बेटे आ जाओ मई 4 में, देखो मैंने क्या लिखा है। बड़ी मेहनत की है बेटे आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत की है कि मेरे बच्चों को समझ आए, और तो कोई बात ही नहीं बेटे। बेटे बड़ी मेहनत से लिखा मैंने, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹4,000। बेटे 4,000 की गुड्स थी, पेड बाय चेक, ये इंपॉर्टेंट है। बेटे हमने हमने इसको चेक से पे किया, हमने इसको चेक से पे किया। तो पहली बात मैंने लिखी है जी, ए पॉइंट में आती है तब भी लिखेंगे, आप मेरे हैं इसलिए लिख रहे हैं। आप ढीले होके बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, ढीले होके बैठे आपके दुश्मन। आप क्यों बैठो? आप तो कमर सीधी करके बैठोगे, आप तो टेबल चेयर में पढ़ोगे, आप तो नोट भी करोगे, क्योंकि आप मेरे हो। प्लीज टेल मी टू नेम्स। दोबारा से मैंने कहा, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटा, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ो और मुझे बताओ ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं जो इसमें बड़े कीवर्ड हैं। बच्चों ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा कि दो कीवर्ड हैं, एक तो गुड्स और एक बैंक। बैंक क्यों? क्योंकि चेक आया, चेक दिया, चेक दिया तो चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा, विल डिपॉजिट इन द बैंक, वो करेगा। तो गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है, देखो पीले रंग से मैंने हाईलाइट कर दिया। बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, देखो मैंने पीले रंग से हाईलाइट करके नीचे नीचे की तरफ एरो बना दिया। एक बच्चा कहता अब समय आए ऊपर का एरो क्या होता है। बेटे ऊपर का एरो का मतलब है इंक्रीजिंग, बेटे नीचे का एरो का मतलब है डाउनवर्ड, का मतलब है डिक्रीजिंग। Upward arrow means that item, that element is increasing. Downward means that element, that item is decreasing. तो आइए, goods is an asset, bank balance is also an asset. Chance की बात है बेटे, transaction 2 में भी दोनों assets थे और transaction 3 में भी दोनों ही assets है। देख लीजिए आराम से, कोई deposit tension की बात नहीं है। C point में आ जाते हैं, C point. If you take decision, बेटे ये तो बार बार लिख दिया, अगर आप एक के लिए decision ले लेते हो, एक element के लिए अगर आप decision ले लेते हो, if you take decision for one element in regard to debit or credit, decision for other element will be automatic. Automatic अपने आप हो जाएगी। अगर आपने एक element की decision ले ली तो दूसरी डिसीजन ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट के लिए हो जाएगी। चलिए जी, चलिए मैंने एक टेबल बनाया। बेटे दो एलिमेंट थे गुड्स और बेटे बैंक चेक। गुड्स बढ़ रही है इंक्रीजिंग एरो, बैंक कम हो रहा है डिक्रीजिंग एरो। बेटे अलग अलग तरीके से समझाना चाहता हूं कि क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अलग अलग तरीके हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि किसी ना किसी वजह से तो समझ आएगा ना मेरे बच्चों को। गुड्स बढ़ रही है, गुड्स एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, तो हम गुड्स को डेबिट करेंगे, गुड्स की जगह हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ऐसे 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 आओ बेटे, आओ आओ मेरे बेटे, आओ एंट्री पास करें, कोई घबराना नहीं है बेटे, कोई घबराने की बात ही नहीं है। हम आ गए मई 4 में। बेटे मुझे मालूम है कि मैंने आंसर भी प्रिंट करा दिया है, और मुझे इतना भी मालूम है कि कुछ बच्चे बड़े काम चोर हैं, वो नहीं लिख रहे, लेकिन वो समझदार नहीं है, वो चलाकी कर तो रहे हैं लेकिन बेवकूफ है। अभी थोड़े दिनों बाद, थोड़ी क्लासेस के बाद उनको उतना समझ नहीं आएगा जितना उन बच्चों को आएगा जो लिख रहे हैं। चलिए जी, मई 4 परचेज गुड्स वर्थ
4000 एंड पेड बाय चेक, ये वाली एंट्री कर रही थी। तो मैं लिख रहा हूं, हाँ लिख दे मास्टर, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब सब पता है आपको परचेजेस क्यों लिख रहे हैं, बार बार मैं बोल नहीं रहा, लास्ट लेक्चर में बहुत समझाया है। टू हटके, टू बैंक, बेटे चेक दिया, बैंक का बैलेंस कम होगा, एसेट है कम कर रहे हैं। कितने से बेटे, कितने रुपए की गुड्स खरीदी बेटे? गुड्स बढ़ी 4000 रुपए से, तो मेरा स्टॉक इन गुड्स का बैलेंस बढ़ गया। मैंने गुड्स का क्या किया बेटे? मैंने गुड्स को बुलाया, आओ गुड्स मेरे घर आओ, मैं आपको बुला रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, गुड्स मेरे घर आई, बैंक तुम चले जाओ, बैंक चला गया। और मैंने नीचे कारण लिखा, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय, बेटे फ्री में क्या मिलता है, कुछ मिलता थोड़ी है, चेक। पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है बेटे। पर्दा का मतलब ब्रैकेट लगाने जरूरी है, नरेशन में ब्रैकेट लगाने जरूरी है और उसका द एंड करना जरूरी है। आइए जी, मैं तीन ट्रांजैक्शंस की तरफ कंप्लीट कर चुका हूं, अब मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन मई 7 की तरफ बढ़ रहा हूं, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। बेटे मैंने बताया था आपको फर्स्ट या सेकंड, फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में, कि आप जो भी थिंग्स खरीदते हो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो गुड्स इन नेचर और एक नॉन गुड्स इन नेचर। गुड्स इन नेचर के वो थिंग्स होती हैं जिनको हम आगे डायरेक्टली या मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। और बेटे जो ऐसी होती है गुड्स विच आर नॉट इन गुड्स इन नेचर, जैसे यहां पर है 2500 रुपए विच इज नॉट इन गुड्स इन नेचर, बेटे उसको हम कहते हैं, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट, इट इज नॉट गुड्स इन नेचर। तो बेटे 2500 परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹2500। तो बेटे आपको मैं इसके बारे में एक सेकंड में समझा रहा हूं, आइए हम समझ लेते हैं बेटे, इजी है, मुश्किल नहीं है। पहले आप लिखें, मई 7 में ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹2500। इन अबाउट ट्रांजैक्शन देयर इज ओनली वन वर्ड। पहली बात तो बेटे हम किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अक्षर देखते हैं, क्योंकि एज पर डबल एंट्री मुझे किसी चीज को डेबिट करना है और दूसरी चीज को क्रेडिट करना है, तो बेटे दो अक्षर में मुझे ऑफिस इक्विपमेंट ही दिख रहा है। दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं पता कि कैश में खरीदी है या किसी और से उधार में खरीदी है। एक बात मैं कहता हूं, अगर मैंने किसी से उधार में क्रेडिट में परचेज की होती तो उसका नाम पता होता, बेटे जिससे भी खरीदी, कैटरीना से खरीदी, रणबीर से खरीदी, तो लिखा हुआ ना नाम। अब यहां नाम भी नहीं दिया बेटे, अगर नाम नहीं दिया तो मैं दूसरी आइटम को हमेशा मान लूंगा कि वो कैश पे ही परचेज हुई है। तो बेटे ये बात इसमें इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने लिखा ए पॉइंट में, इन अबाउट ट्रांजैक्शन देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट। इन अबाउट ट्रांजैक्शन देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट। इन केस सेकंड वर्ड और एलिमेंट और पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट अवेलेबल, बेटे हिंट भी लिख रहा हूं आपके लिए, बता भी रहा हूं कि पहला पार्ट तो गिवन है, पहला एलिमेंट तो पता है, अगर किसी कारणवश आपको दूसरा एलिमेंट नहीं पता चल रहा तो क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ दो, मर्जी है, या आप मानो कि कैश दूसरा एलिमेंट है बट कंडीशन है कि जिससे आपने खरीदा उसका नाम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है। जैसे इसमें देखिए कुछ मेंशन ही नहीं था, आप देखिए ना, आप अगर क्वेश्चन को देखें तो लिखा हुआ परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ रुपीज, ये नहीं पता कैश में खरीदी और किससे उधार में खरीदी, अगर उधार में होता तो बेटा उसका नाम भी होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उसको कैश में मान लेंगे। आइए बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने फिर बना डाली, क्योंकि हम कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच, हम कर रहे हैं अमेरिकन अप्रोच, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है जी।
कैश कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मैंने माना कि ऑफिस इक्विपमेंट कैश में खरीदी जा रही है, कैश एसेट है, दोनों ही एसेट है। चांस की बात है मई 1, मई 4, मई 7 सारी ट्रांजेक्शन जो है एसेट के अंदर ही हो रही है। एक बच्चा कहता है हमेशा ऐसे ही होगा, बेटे क्यों होगा, मैं तो लॉजिक समझा रहा हूँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। पहली ट्रांजेक्शन में तो कैपिटल और एसेट्स थे, चांस की बात है दूसरी तीसरी चौथी ट्रांजेक्शन में एसेट्स एसेट्स के बीच में काम हो रहा है, एसेट एक बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है। तो देखिए जी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स में अगर आप देखें कैश एक एसेट है, कैश कम हो रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट बेटे नॉन गुड्स इन नेचर है, हम इनको सेल के लिए नहीं मंगाते। बेटे ऑफिस में मेरे कोई आएगा, कोई कोई बेटे आप ये बताओ, अगर आएगा तो मेरे पास इक्विपमेंट होनी चाहिए ना, पैसे गिनने की मशीन होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तो बेटे उसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। बेचने के लिए नहीं मंगा रहे, एसेट है, इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ये थिंग है, इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, एसेट बढ़ेंगे तो हम डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कैश दिया, कैश एसेट है, कैश कम हो रहा है, टू कैश। तो बेटे नोट करो, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट दो हैं, कैश और ऑफिस इक्विपमेंट। Assets have debit balance nature, so we will debit office equipment and we will credit cash. तो चलिए जी हम इसको लिख दें, आइए बेटे यहां जगह नहीं है तो मैं आ गया जी, क्योंकि आपका पेज तो बड़ा है तो मैं आ गया जी, मैं आ गया office equipment मई 7, बेटे तारीख पे तारीख लिख रहे, office इक्विपमेंट अकाउंट, जगह नहीं है बेटे, आपने एक ही लाइन में लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, एक ही लाइन में आएगा। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने दो लाइनें यूज की, आपके पास रजिस्टर का जो चौड़ाई है वो ज्यादा बड़ी है इससे, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी लाइनें छोटी छोटी कर दी, जगह कम थी, तो आपने एक ही लाइन में लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। उसके बाद हटके हटके टू, थोड़ा हटके बेटे क्रेडिट को थोड़ा हटके लिखना है, टू 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 कैश। बेटे हमने माना कि हमने कैश में खरीदा है, ये बात मैं बता चुका हूं, कितने रुपए का सामान है बेटे, बेटे 2500 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ेगा और 2500 से मेरा कैश कम होगा, और मैं नरेशन जरूर लिखूंगा, रीजन जरूर लिखूंगा, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट्स, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेस्ड, परचेस्ड फॉर कैश, आराम से बेटे बेटे पर्दा लगा दिया और द एंड कर दिया बेटे, आराम से, कोई जल्दी थोड़ी है बेटे। ये लो बेटा, हम चार ट्रांजैक्शंस तो कर भी चुके, अकाउंटिंग इक्वेशन से कर दी, हम धीरे धीरे सारी ट्रांजैक्शंस मई की कर डालेंगे। आइए आइए बेटे, मैं आ गया जी मई 8 में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने अब अपने गुड्स को बेच दिया 1200 रुपए में। बेटे एक बात समझ लो, हम जब भी बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी गुड्स को बेचेंगे तो आप उसके इवेंट को देखेंगे कि ये सेल्स की वजह से हो रहा है या परचेजेस की वजह से हो रहा है। बेटे बेचेंगे तो सेल्स की वजह से ही हो रहा है, और मैंने कहा था अब हम गुड्स का अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, हम गुड्स की जगह उसके कारण का अकाउंट ओपन करेंगे, और रीजंस दो हो सकती हैं, एक परचेजेस और एक सेल्स, तो हम या तो परचेजेस में लिखते जाएंगे या सेल्स में लिखते जाएंगे, और एक महीने के बाद एक साल के बाद उसको टोटल कर लेंगे और प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखा बेटे सेल ऑफ गुड्स, गुड्स जा रही है, गुड्स कम हो गई, मैंने बेच दी, गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है, किसमें बेची बेटे, मैंने किसमें बेची, कैश में, 1200 रुपए कैश आ गया, कैश एसेट है। अब आइए अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाइए, कौन से दो अक्षर हैं जो मेरे लिए बड़े कीमती हैं बेटे, एक तो कैश बड़ा प्रीशियस लग रहा है मेरे को,
बड़ा ही प्रीशियस लग रहा है, एक तो कैश है और दूसरा बेटे गुड्स है। आप बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इस ट्रांजैक्शन में ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं जो बड़े प्रीशियस हैं, तो आप कहेंगे सर एक गुड्स और एक कैश। इसका मतलब हम इन्हीं को यूज करने वाले हैं डेबिट या क्रेडिट में। अब हम देखेंगे कि कैपिटल तो नहीं है, लायबिलिटी तो नहीं है, एसेट तो नहीं है। हाँ एसेट है, अगर एसेट है तो दोनों एसेट है या एक ही एसेट है? हाँ दोनों ही एसेट है। इसका मतलब कौन सा एसेट बढ़ रहा है और कौन सा एसेट कम हो रहा है? बेटे कैश का एसेट बढ़ रहा है और गुड्स का एसेट कम हो रहा है, इसलिए मैं अकॉर्डिंगली एंट्री पास करूंगा। लेकिन मेरे प्यार की इंतहा देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है बेटे, मेरे प्यार की इंतहा देखिए, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है और मैं चाहता हूं कि आप भी लिखें। May 8 सोल्ड गुड्स, बेटे प्यार है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दो अक्षर कौन से बेटे? एक तो गुड्स और एक कैश। गुड्स भी एसेट है और कैश भी एसेट है। वी विल क्रेडिट, बेटे गुड्स जा रही है, गुड्स कम हो रही है, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे, गुड्स को क्रेडिट करेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए छोटा सा। कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। गुड्स डिक्रीज हो रही है, एसेट है, क्रेडिट। तो बेटे मुझे इस टेबल से पता चल गया कि मुझे अब क्या करना है। आइए बेटे जर्नल एंट्रीज में आ जाइए। हम May 7 के बाद आ गए May 8 में। May 8 की एंट्री पास करेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो मैं यहां तारीख में लिख रहा हूं May 8 कैश अकाउंट डेबिट। टू बेटे एक तो हट के टू गुड्स नहीं लिखेंगे बेटे, सेल्स लिखने वाले हैं। टू सेल्स 1200 रुपए बेटे। कैश हमारे घर आया, हमारी गुड्स चली गई, बीइंग सेल ऑफ गुड्स, बीइंग सेल ऑफ गुड्स इन कैश। आराम से बेटे हमने इसको द एंड कर दिया, हमने गुड्स बेची 1200 रुपए में। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, कैश डेबिट टू सेल्स। आराम से बेटे लिख लो, मैं एक सेकंड आपको ब्रेक देता हूं। May 8 तक हम लिख चुके। चलिए बेटे नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं। May 8 के बाद हम आगे बेटे May 10 में सोल्ड गुड्स टू कैटरीना कैफ। सलमान खान ओनर है, उसने गुड्स को कैटरीना कैफ को बेचा 800 रुपए में। 800 रुपए की गुड्स कैटरीना कैफ को बेच दी। आप ये बताइए May 10 की अगर आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, कौन से दो कीवर्ड्स हैं बेटे? एक तो गुड्स, क्योंकि गुड्स को सेल कर रहे हैं, और बेटे यहां पर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, मैं यहां पर कैश पे नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बताया गया है कि गुड्स मैंने कैटरीना कैफ को बेची, इसका मतलब मैं यहां पे कैश अज्यूम नहीं कर सकता। मैं मानूंगा कि मैंने उधार में कैटरीना कैफ को बेची। बेटे हो भी क्यों ना, सलमान खान की दोस्ती हो भी तो सकती है कैटरीना कैफ से, लेकिन आप दोस्ती वोस्ती छोड़िए, आप अकाउंटेंट है, आप लेन देन की बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि सलमान खान ने गुड्स कैटरीना कैफ को 800 रुपए में बेची। अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि कैश में बेची है नहीं। बेटे अगर कैटरीना कैफ भी नहीं लिखा होता तो मैं मान लेता कि गुड्स कैश में ही बेची गई है, बट यहां लिखा हुआ है टू कैटरीना कैफ 800 रुपए। तो बेटे मैं मानूंगा कि ये जो गुड्स है ये कैटरीना कैफ को उधार में बेची गई है। आइए 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 मेरे बेटे इसकी एक बार हम देख लें कि मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं, लेकिन आप लिखेंगे तो बेटा मुझे अच्छा लगेगा। बस सीधी सी बात ये बता रहा हूं, May 10 सोल्ड गुड्स टू कैटरीना कैफ 800। द टू वर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर, दो अक्षर जो बड़े कीमती है, पहला गुड्स और दूसरा कैटरीना कैफ।
एक तो गुड्स और दूसरा कैटरीना कैफ। तो बेटे देखो, एज द नेम हैज बीन स्पेसिफाइड सो वी कैन नॉट अज्यूम सोल्ड गुड्स इन कैश। कितनी प्यारी सी बात मैंने बोली, फिर लिख भी दी कि आप ये नोट्स बना लो बेटे, आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए आप सारी एंट्रीज पास कर पाओगे अगर आपका लॉजिक और आपका बेस क्लियर है। तो देखिए, एज नेम हैज बीन स्पेसिफाइड सो वी कैन नॉट अज्यूम सोल्ड गुड्स इन कैश, ठीक है जी। तो आगे, रादर वी विल अज्यूम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कैटरीना कैफ। हम ये मानेंगे कि गुड्स को क्रेडिट में बेचा गया कैटरीना को, और दोनों एसेट्स हैं। बेटे जब हम कैटरीना को क्रेडिट में बेचेंगे तो वो कैटरीना हमें प्रॉमिस देगी, एज ए डेटर प्रॉमिस देगी कि हमें वो पैसे वापस कर देगी कुछ दिनों के बाद, तो कैटरीना हमारी डेटर बन जाएगी। लेकिन बेटे हम हमेशा उसके पर्सन का नाम लिखेंगे। तो आप देखिए, दोनों एसेट्स हैं, गुड्स कम हो रही है, प्रॉमिस कैटरीना का आ रहा है, डेटर का प्रॉमिस आ रहा है। चेक करिए मैंने क्या लिखा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, और एसेट्स को फिर डिवाइड कर दिया गुड्स और डेटर्स में। बेटे गुड्स का मतलब हम बेच रहे हैं, गुड्स का नाम तो सेल्स इवेंट आएगा बेटे, रीजन आएगा बेटे। ये बात मैंने बताई है कि गुड्स का नाम हम गुड्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उसके इवेंट का नाम लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। तो बेटे सेल्स हुई, गुड्स कम हो रही है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, कैटरीना कैफ का बैलेंस बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है बेटे, जब गुड्स कम हो रही है और गुड्स एसेट है और एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, तो इसका मतलब गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। सीधी सी बात है, जब हम गुड्स को क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैटरीना कैफ डेबिट होगी, आप इस जुगाड़ से भी चल सकते हैं। लेकिन बेटे लॉजिक अगर क्लियर होगा तो फिर जुगाड़ क्यों लगाना है। तो हमने लिखा कैटरीना कैफ, आइए जी एंट्री कर डाले, एंट्री कर डाले मेरे बेटे, एंट्री कर डाले, एंट्री कर डाले, आइए 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 बेटे। बेटे मैं आ गया मई, कौन सी तारीख है बेटे, तारीख कौन सी है बेटे, बेटे 10 मई सोल्ड गुड्स टू कैटरीना। बेटे कैटरीना मैं तेरा नाम डेबिट करूंगा, कैटरीना तू मुझे प्रॉमिस दे। कैटरीना कहती है क्या प्रॉमिस, मैंने कहा तू मुझे प्रॉमिस दे कि तू 800 रुपए मुझे कुछ दिनों के बाद दे देगी, तब तक मैं तेरे नाम को डेबिट में शो करूंगा, डेबिट डेटर्स में शो करूंगा। कैटरीना कैफ अकाउंट डेबिट टू क्या बेटे, टू सेल्स। बेटे गुड्स गई, गुड्स का नाम तो लिखेंगे नहीं, रीजन का नाम लिखेंगे, कारण लिखेंगे, सेल्स हुई, और बेटे सेल्स बुक में एंट्री होती जाएगी। बेटे कितने रुपए की, 800 रुपए की बेटे हमने लेनदारी है, हमें कैटरीना से 800 लेने हैं और हमने उसको गुड्स बेची हैं। ये बात आप रीजन में लिख दीजिए, बीइंग सेल ऑफ गुड्स टू 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 कैटरीना, कैटरीना ओन ऑन क्रेडिट, बीइंग सेल ऑफ गुड्स टू कैटरीना ऑन क्रेडिट। और बेटे यहां पर हमने द एंड की लाइन डाल दी, मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटे। जर्नल एंट्रीज जो सबसे बड़ी बेटे मुश्किल लगती है लोगों को, क्योंकि बेटे पुराने जमाने में जब छोटा सा बच्चा रात को सोता नहीं था तो माँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो मैं जर्नल एंट्रीज करा दूंगी, जर्नल एंट्रीज पढ़ाना शुरू कर दूंगी। बेटे वो सो जाता था, इतना डर लगता था सबको। लेकिन बेटे भूपेश आनंद ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप देखिए, एक क्वेश्चन में मैं एक घंटा लगा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि मैं वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा हूं। बेटे आपको लगेगा मैं आपके बिल्कुल पास ही हूं, अभी हाथ बाहर आएगा और आपको मारूंगा और प्यार करूंगा। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाइए बेटे, बेटे नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट आपके सामने है मई 15, गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना कैफ। ये लो, 10 तारीख को हमने कैटरीना को सामान बेचा, 10 तारीख को हमने उधार में सामान बेचा, 800 रुपए का बेचा, 15 तारीख को कैटरीना भागती हुई आ गई, भागती हुई, हाँ भागती हुई आई और कहने लगी सलमान बारा ये ले तू अपने 150 का सामान, मुझे नहीं चाहिए, ये तेरा सामान डिफेक्टिव है। बेटा जो हमने सेल की थी
वो सेल्स रिटर्न हो गई जो हमने गुड्स बेची थी पहले 10 तारीख को, जिसके अभी पैसे भी नहीं लिए थे, जिसको हमने डेटर शो किया था, आज वही गुड्स मेरे घर वापस आ गई बेटे, किसी भी कारण से हमें उसको नहीं देखना, लेकिन गुड्स आई, गुड्स एसेट है, जो गुड्स रिटर्न होके आई, मैंने खरीदी नहीं, गुड्स का बैलेंस बढ़ा, लेकिन परचेज की वजह से नहीं बढ़ा, जो सेल्स किया था उसकी रिटर्न हुई बेटे, ये कारण है सेल्स रिटर्न की वजह से। दूसरा, अब मुझे कैटरीना ने 800 रुपए देने थे क्योंकि उसने 10 तारीख को 800 का सामान लिया था, उसने उसमें से 150 का तो सामान ही वापस कर दिया, इसका मतलब मुझे कैटरीना का प्रॉमिस 150 रुपए से कैंसिल करना पड़ेगा, इसका मतलब जो 150 रुपए का उसका डेटर का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। बेटे डेटर एसेट होते हैं, एसेट का डेबिट नेचर होता है, जब एसेट कम होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, तो हम यहाँ पर बड़ी सिंपल सी एंट्री करने वाले हैं, आप आ जाइए मेरे बेटे, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन लिख डालिए और फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। मई 15 गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना कैफ, गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना कैफ वर्थ ₹150। बेटे कैटरीना कैफ ने ये गुड्स रिटर्न कर दी 150 रुपए। टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दो अक्षर बड़े इंपॉर्टेंट है इस ट्रांजैक्शन में, एक गुड्स रिटर्न, बेटे हमारे पास वापस आ गई गुड्स, हमारे गुड्स का स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स का बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन परचेजेस की वजह से नहीं बढ़ रहा, ये जो हमने गुड्स सेल की थी वो रिटर्न आ गई, अब हम अपने स्टॉक में तो रखेंगे, थी तो हमारी ना। तो बेटे दूसरा कैटरीना कैफ, और मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल की दो ब्रांचेस बनाई क्रेडिट डेबिट, एसेट्स की भी दो ब्रांचेस बनाई क्रेडिट डेबिट, और बेटे हमें पता है कि जब एसेट्स बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस इन नेचर होता है। चलिए जी, चलिए गुड्स रिटर्न, हम उसका रीजन लिखेंगे, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैटरीना कैफ। आइए मैं लिख दूं बेटे मई तारीख की, दोबारा से इसकी एंट्री पास कर दे, नई शीट मैंने बना ली है बेटे, आप देख लो, गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना वर्थ ₹150। तो मैं लिख रहा हूं जी, मैं लिख रहा हूं, इसकी डेट देख लीजिए बेटे, 15 मई 15 सेल्स रिटर्न, बेटे कारण लिखूंगा सेल्स रिटर्न, बेटे जगह नहीं है ना, आपने एक ही लाइन में लिखना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, हटके टू कैटरीना कैफ, बेटे कितने से बेटे 150 रुपए की गुड्स हमारी बढ़ गई और हमने कैटरीना कैफ का 150 रुपए से बैलेंस भी कम कर दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कैटरीना, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कैटरीना, लीजिए ब्रैकेट लगा दिया और द एंड कर दिया। बेटे दो तीन ट्रांजैक्शंस रह गई, हिम्मत मत हारना, मैं जब हिम्मत नहीं हार रहा तो आप क्यों हारोगे। आओ जी, आओ मई 18 सलमान खान विड्रॉन 8,000 फॉर पर्सनल यूज, बेटा सलमान खान ओनर है, उसको पर्सनल इस्तेमाल के लिए 8,000 रुपए चाहिए थे, उसने दुकान से 8,000 रुपए निकाले और अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए। बेटे आपको पता है जब ओनर पैसे डालता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं और जब ओनर पैसे निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और दूसरी बात मैंने आपको समझाई हुई है कि जब बात ओनर पे आ जाए तो हम कभी भी ओनर का नाम यूज नहीं करेंगे, हम उसकी जगह रीजन लिखेंगे, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो मैंने सलमान खान का नाम नहीं लिखा, मैंने कैपिटल लिखी, आज कैपिटल कम होगी बेटे मैं सलमान खान का नाम नहीं लिखूंगा, मैं उसका रीजन लिखूंगा कि कम होने का क्या कारण है। बेटे ड्रॉइंग्स, टेक्निकली हम अकाउंट्स में इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं क्योंकि वो पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो बेटे दो अक्षर बड़े कीमती हैं यहाँ पर, एक कैश और दूसरा ड्रॉइंग्स, एक कैश
और दूसरा ड्रॉइंग्स। आप समझ लीजिए, कैपिटल ही समझ लीजिए, सलमान खान समझ लीजिए, लेकिन मैं सलमान खान का नाम तो लिखूंगा नहीं, तो मैं उसकी जगह ड्रॉइंग्स लिखने वाला हूँ बेटे। इससे मेरी कैपिटल कम होगी ना, कैपिटल जब कम होगी तो मुझे डेबिट करना है ना, लेकिन मैं कैपिटल को डेबिट ना करके मैं लिखूंगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटे आराम से पहले दोबारा पढ़ लो, सलमान खान विड्रॉ रुपीज 8,000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश, सलमान खान विड्रॉ रुपीज 8,000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसके लिए क्या कुछ लिखा है मैंने। बेटे बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए, मई 18 की भी एक्सप्लेनेशन लिख डाली, सलमान खान विड्रॉ रुपीज 8,000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश। एक तो अक्षर है मैंने लिखा, एक अक्षर जो बड़ा कीमती है उसका नाम है सलमान, और सेकंड अक्षर जो है उसका नाम है कैश। दो वर्ड्स, दो कीवर्ड्स, चाचा चौधरी और फैंटम, बेटे दो अक्षर मुझे मिल गए। अब आइए, अब मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दी, सलमान खान का बैलेंस कैपिटल बैलेंस कम होगा, लेकिन हम उसकी जगह उसका नाम यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे टेक्निकल नाम ड्रॉइंग्स। और दूसरा कैश का बैलेंस भी कम होगा तो मैं लिखूंगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए मेहरबान कदरदान, लिख डाली एक्सप्लेनेशन, बड़ी मेहनत से लिखी है भूपेश आनंद ने। इस दुनिया की किसी किताब में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं मिलेंगे। व्हेनेवर ओनर कम्स इनटू पिक्चर वी विल नॉट यूज ओनर्स नेम, रादर द रीजन फॉर द सेम एंड द रीजन इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड, कैश विल बी क्रेडिटेड। चलिए मेहरबान, आइए बेटे। एक बच्चा तो घबरा गया, कहता दो सर बार बार बोल रहे बेटे मई 18, बेटे आ जाओ, बेटे मई 18। एक बच्चे ने एंट्री लिखनी बंद कर दी, उसने कहा आंसर तो दिया हुआ है लेकिन वो बेवकूफ है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इतने प्यार से ना तो कोई एक्सप्लेनेशन समझाएगा, ना इतने प्यार से एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी कोई देगा, क्या बात करते यार। बी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, हमने कैश को विड्रॉ किया, पर्दा लगाओ द एंड करो। बेटे कितने पैसों को विड्रॉ किया आप मुझे बताओ, सलमान ने कितने पैसे घर ले गया। सलमान तेरी कैपिटल 8,000 से कम करेंगे और हमारा कैश भी 8,000 रुपए से कम हो गया। बेटे दोनों, बेटे एक एसेट है और एक कैपिटल है की साइड में आ रहा है, कैपिटल कम हो रही है, हम कैपिटल को कम करेंगे तो कम करने के लिए डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही कहती है, बस हम कैपिटल को डेबिट की जगह उसकी जगह ड्रॉइंग्स लिखेंगे, रीजन का नाम लिखेंगे टू कैश। तो बेटे मई 18 हम आ गए मई 18 की एंट्री तक आ चुके हैं, आप आराम से यहां पर देख लीजिए। मैं नेक्स्ट में आ गया जी, मैं 24 तारीख को आ गया। अगर आप देखिए 24, 27 और 30, या चलिए 24 और 27 देखिए, 24 में है पेड सैलरीज और 27 में है पेड ऑफिस रेंट। तो पहले 24 की एंट्री पास करते हैं क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पास करेंगे। हमने सैलरी पे की, पेड सैलरीज 2500, आप बताइए जी सैलरी को पे किया, पेड सैलरीज 2500। मैं अगर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूं तो बेटा ये होगा, अब जब मैंने सैलरी पे की तो आप झूठे हैं कि आपने सैलरी पे की, आपने कैश पे किया, आपने कैश दिया, कैश एसेट है और कैश कम हो रहा है। बेटे 2500 रुपए से कैश कम हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात बेटे, ये सैलरी की आपने सर्विसेज ली, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, ये आपका एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा था सारे एक्सपेंडिचर और सारे इनकम्स कैपिटल में जाती है, और ये भी बोला था कि जब बात कैपिटल की आ जाए तो
आपने उस रीजन को लिखना है, जैसे अभी हमने ड्रॉइंग्स को लिखा, बेटे कारण लिखना है, कारण लिखना है, कारण लिखना है। वो बेटे वो रीजन क्या है? सैलरीज। तो बेटे मैं एंट्री क्या करने वाला हूं, समझ आ गया? कैपिटल को डेबिट भी करूंगा मैं, कैपिटल का रीजन जिसकी वजह से कैपिटल कम हो रही है उस रीजन को लिखूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेथड फॉलो कर रहा हूं। तो बताइए दोस्तों एंट्री क्या होगी? कैश एसेट है, कैश कम हो रहा है, कैश तो क्रेडिट करेंगे। दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल गया सैलरीज डेबिट होगा, लेकिन सैलरीज डेबिट क्यों होगा? क्योंकि सैलरीज कैपिटल को कम कर रहा है, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, लेकिन हम उसका रीजन लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। लो जी, लो आयो आयो मेरे बेटे, बेटे इसकी एंट्री भी कर डाली, आओ आओ बेटे। बेटे मैं लिख रहा हूं 24 मई 24 सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बेटे सैलरीज कितनी है? बेटे 2500 से मेरा कैश कम होगा और कैपिटल का बैलेंस भी 2500 से कम होगा, लेकिन मैं कैपिटल का नाम नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं उसका रीजन, और यहां लिख रहा हूं बी सैलरीज पेड। आराम से बेटे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है। बेटे मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ रहा हूं, पेड ऑफिस रेंट 1200। बहुत ही आसान है जी, ऑफिस का रेंट पे किया। आप बताइए जी आपके हिसाब से रेंट क्या होता है? मैंने कहा था एक घर है, आपकी दुकान आपने किराए पे ली है, आपको उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा और उस किराए को बोलते हैं रेंट। बेटे रेंट नहीं दिया, कैश दिया, कैश दिया बेटे। और रेंट एक एक्सपेंस है क्योंकि एक सर्विस ली आपने, अब जब सर्विस ली तो कोई एसेट थोड़ी क्रिएट हुआ, तो कैपिटल लेस करेंगे, लेकिन हम कैपिटल लेस तो करेंगे, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल को डेबिट करेंगे, लेकिन कैपिटल की जगह हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे आराम से मैं हर चीज का लॉजिक बताऊंगा। बेटे ये कैश आ गया, कैश कम हो रहा है, कैपिटल 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 भी कम हो रही है। बेटे इसकी जगह रेंट वाला वर्ड यूज करेंगे। अब बताओ जब मैं कैश कह रहा हूं कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट करना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया रेंट को डेबिट करना है, नहीं तो वैसे लॉजिक भी है। बेटे रेंट रेंट एक रीजन है जिसकी वजह से कैपिटल लेस होगी, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट नेचर के होते हैं। अगर कम होगी तो बेटे मुझे कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी, और जब मैं कैपिटल डेबिट करूंगा तो बेटे उसकी जगह उसका नाम लिखूंगा। तो आइए ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट लिखिए जी, लिखिए दोस्तों ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1200, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो लिखे बी रेंट पेड इन कैश। आराम से बेटे देखो कोई जल्दी है ही नहीं, एक डेढ़ घंटा लगा दिया 12-13 ट्रांजेक्शन करने के लिए, उससे पहले मैंने स्लाइड्स बनाई होंगी। तो बेटे मुश्किल, मैं आपके लिए बिल्कुल टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। हाँ अगर शुरू के 4-5-6 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कर लिए तो आगे सब कुछ लाइफ में आप बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि यही फाउंडेशन बन रही है। लास्ट एंट्री की तरफ हूं मैं बेटे, लास्ट एंट्री की तरफ हूं। आपने टेलीफोन की सर्विसेज ली, आपने MTNL से, एयरटेल से, रिलायंस जियो से टेलीफोन की सर्विसेज ली और आपने उसकी पेमेंट की। बेटे एक्चुअली में तो कैश ही दिया, लेकिन यहां लिखा चेक से दिया, बैंक से दिया, बैंक बैलेंस कम होगा और ये टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंस है, आपने सर्विसेज ली, कैपिटल कम होगी, लेकिन हम कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक बेटे वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें
तो बेटे इस तरह की बनेगी, ये होती है ना हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे हमने कैश दिया, क्यों? क्योंकि हमने सर्विसेज ली, अब सर्विसेज कैपिटल से कम होंगी और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, जब ये कम होगी तो डेबिट करनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा टेलीफोन 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 बिल डेबिट। एक बच्चे ने कहा सर इसको डेबिट क्यों करेंगे? बेटे कैपिटल को तो डेबिट करेंगे ना, ये तो बताओ सर कैपिटल को डेबिट क्यों करेंगे? बेटे कैपिटल का क्रेडिट नेचर का बैलेंस होता है ना, जब कैपिटल कम होगी, जब आपने खर्चा किया, जब आपने सर्विस ली, वो एसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो आपके कैपिटल कम होगी ना। हाँ सर ये बात तो ठीक है, कैपिटल कम होगी, तो बेटे जब कैपिटल कम होगी तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा ना। हाँ सर ये बात भी ठीक है, लेकिन मैंने कहा कैपिटल के नाम की जगह आप उस रीजन को लिखो जिसकी वजह से कैपिटल कम हो रही है। तो मैंने लिखा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कैश कम हो रहा है, कैश जा रहा है टू कैश। तो बेटे इस तरह से मैंने आज के इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 बड़े प्यार, बड़े इत्मीनान, बड़े शांत भाव से कराया। धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे बेटे, मेरी इच्छा को देखिए आप, इस समय का जो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बेटे आपको मैं बता रहा हूं आप आने वाले दिनों में ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ज्यादा सक्षम बन जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन 2 एक बार दोबारा आज अपने आप कर लेना आज ही, और क्वेश्चन 3 को ट्राई कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट